आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। जिले में संचालित होने जा रही सीएम राइस स्कूल को लेकर प्रवीण कुमारी कन्या विद्यालय रीवा के शिक्षकों द्वारा संयुक्त संचालक कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन पत्र सौंपा गया कि शिक्षकों की मांग है कि मेरिट के आधार पर उसी विद्यालय में उनकी भर्ती किया जाए। आपको बता दें कि रीवा जिले में पीके स्कूल को सीएम राइस स्कूल के लिए चयनित किया गया है, जिसको लेकर जल्द ही शिक्षकों की भर्ती होनी है। हाल ही में इनसे एग्जाम और साक्षात्कार किया गया था, जिसके मेरिट के आधार पर इनकी चयन सूची बनाई जा रही है। पीके स्कूल में 16 महिला शिक्षक एवं 5 पुरुष शिक्षकों का चयन हुआ है। ये किन मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा जा रहा है, किसके नाम ये ज्ञापन? हमने ये ज्ञापन जो है सीएम राइज विद्यालय जो है शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हम सभी जो शिक्षक हैं वो एक सीएम राइज में कंडीशन थी कि जो शिक्षक जहां पदस्थ हैं उन्हें सीएम राइज परीक्षा उत्तीर्ण करके चयनित होना पड़ेगा, तभी उसी विद्यालय में उनका जो है तो पदांकन किया जाएगा। तो हम पीके स्कूल के सभी शिक्षक साथी और बहनें हमारी जो बहुत जिन लोगों ने परीक्षा दिया था बहुत ही अच्छे अंकों से पास हुई हैं, और हम सबकी ये मांग है कि हम सीएम राइज जो चयनित शिक्षक हैं उनको पहले वरीयता दिया जाए, जहां पर पदस्थ हैं वहीं पर पदस्थ किया जाए, और फिर इसके बाद जो शेष रिक्त पद हैं उन्हें पदांकन किया जाए अन्य शिक्षकों को, हमें वरीयता दी जाए पीके स्कूल में, ये हमारी मांग है। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी जो शासन की समस्या है ये नहीं है, हम लोग पहले से ये शासन से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को वरीयता के आधार पर जो यहाँ पदस्थ है उसे वहाँ वरीयता दी जाए, और सीएम राइज जो चयनित शिक्षक हैं उन्हें पदांकित किया जाए। हमारे यहाँ 21 शिक्षक जो है तो कुल चयनित हुए हैं, जिसमें 16 जो महिला शिक्षक हैं और 5 पुरुष शिक्षक हैं। अमरनाथ तिवारी, प्रधान अध्यापक शासकीय पीके कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा। शिक्षकों द्वारा सीएम राइज स्कूल के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे रखी है? पहले तो मैं इन लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि इनका चयन सीएम राइज स्कूल के लिए हुआ, और उम्मीद करूँगा कि सीएम राइज स्कूल में चूँकि इनका चयन हुआ है और जिस स्कूल में ये कार्य कर रहे हैं वो भी सीएम राइज स्कूल के अंतर्गत है, ये लोग मेहनत से काम करें, मेहनत से पढ़ाएं, और हमसे जो भी उम्मीद है इनको हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम इनके उम्मीदों में खरे उतरें।